करेले का पेड़ और ये सारी सब्जियां हैं, बड़ी हो रही हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की मेरी ट्रेन है, आज मैं लखनऊ जाने वाली हूँ और अभी कोई भी पैकिंग वगैरह नहीं हुई है और अभी नहाई नहीं हूँ मैं, ये देख सकते हैं। तो हेयर वॉश करना है, इस वजह से अभी नहाए नहीं है, थोड़ा लेट नहाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग टाइप का, जैसे लग रहा है कि मतलब अभी तक धूप ही नहीं निकली है, ऐसा मौसम हो गया है। 10 बजने वाले नहीं है, आई थिंक 10:30 हो रहे हैं। और डिम्पल बना रही है कढ़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। डिम्पल बनाती है, इसलिए मैंने स्पेशली उसको बोला कि आप कढ़ी बनाइए, क्योंकि वहाँ लखनऊ में इतना ज़्यादा मतलब विशाल को भी बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं उतनी अच्छी नहीं बना पाती, शायद इसीलिए। जो कढ़ी में पड़ते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स कटे हुए रखे हैं। और आज की जो कढ़ी स्पेशल पालक की कढ़ी है, जो डिम्पल बना ली थी, बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी और यम्मी होता है। तो आज मुझे जाना भी था तो मैंने बोला डिम्पल बना दो, क्योंकि अब लखनऊ में आओगे तभी बनेगा, तो इसीलिए अब चल रहे हैं, पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं आप लोगों को कि मेरा सामान कैसे फैला हुआ है। और ये देखिए, तो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अभी चल रहे हैं, पहले सारे सामान को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, देन उसके बाद नहाएंगे। तो मैडम, आप कढ़ी कैसे बनाती हैं जो इतनी टेस्टी बनती है? ये तो बस बन जाती है, फ्राई नहीं करती हो क्या? ऐसे खाओ कि बनाती हो? बिना बिना छोके सच बताओ, भी छोड़ो, तैयार करो। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी उसका बेस तैयार कर रखी है, अभी मतलब कुछ किया नहीं, ऑनली बेस तैयार कर रही है आधे घंटे से। ऐसा लग रहा है हल्दी वाला दूध है। मट्ठा इतना खट्टा था कि मरे हुए इंसान को पड़ाल दो तो वो खड़ा हो जाए उठ के। तो ये है हमारी आज की सेफ, जो बना रही है टेस्टी और यम्मी पालक कढ़ी। खराब हो चुकी है तो बिग बॉस देखा जा रहा है फोन में, देखो कितना इंटरेस्टिंग से देख रही हैं दोनों। बॉस चल रहा है, ये देखो, ये दो कंटेंट बैठे हुए हैं, कंटेस्टेंट सॉरी। और पॉपकॉर्न की जगह रखा हुआ है उधर सिंघाड़ा, चटनी जो छील के खा रहे हैं। ये कर्टन छोटा हो गया क्या? कौन सा? जो मम्मी लाई थी कल, वो मेरी शर्ट उतार दो। लाई थी ना? क्यों, जब अभी कल फरार होना था उसमें नहीं डाला था? तो पुराना पड़ा था। क्या बात करती, पुराना कहाँ पड़ा था? पुराना पड़ा था, मैं भी हिंग लाई थी तो पहले। नहीं पता, हम लाए तो है ही हैं। तुम भी लाई खरीद के ना? हाँ, ये शर्ट उठा उठा मेरा, कहाँ है? तो हिंग डिब्बी ना देखा था पहले। तो डिम्पल जा रही है अपने ऑफिस और काजल लगा रही है झाड़ू। ये डाकू हसीना झूठ छुटा देती है सबका पसीना, लड़ाकू लड़ाकू बीमार है। जा चुकी हैं ऑफिस और हम भी चल रहे हैं नहाने में, नहाए नहीं है तो पैकिंग हो गई है मेरी, और चल रहे नहाएंगे क्योंकि बाल धुलना है तो जल्दी सूखेगा नहीं। आज हम चले जाएंगे लखनऊ, हम खाने, क्या है ये? सिंघाड़ा निकालो, फिर उसके बाद अपने चेहरे पे लगाएंगे फेस पैक, डिटेन लगाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया कुछ अप्लाई नहीं किए फेस पे, तो इसलिए डिटेन लगाएंगे, सुंदर सुंदर हो जाएंगे। देखिए चल रहे हैं सिंघाड़ा खाएंगे, किसको किसको सिंघाड़ा ही पसंद है? मेरे मम्मी, मुझे, बहनों, सबको बहुत पसंद है। तो अब खाएंगे सिंघाड़ा, देखो पानी भरा इसमें।
नहा चुके हैं फाइनली, बिल्कुल ठंडी बहुत थी यहाँ पे, दिखाया आप लोगों को, बिल्कुल लग रहा सिर्फ फॉग फॉग टाइप का। दिल्ली में गर्मी ठंडी बरसात लिमिटेड होती है। अब चल रहे हैं खा पी लेते हैं कुछ, उसके बाद हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को यहाँ से रेलवे स्टेशन काफ़ी करीब में है, तो फिर वही 11 बजे की ट्रेन है, 10 बजे निकलेंगे, 10:30 बजे तक पापा ड्रॉप कराएंगे। आपको दिखा खाने जा रहे हैं, बाल उसके बाद सुखाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पैकिंग वैकिंग हो गई है, कल इतने टाइम हम अपने घर में रहेंगे लखनऊ में। वो नहीं बनाई इसमें डाली थी क्या, सिर्फ पालक वाला कड़ी बनाई है। के उठ गए हैं, कंपनी वाला का काका मोच बड़ी चौड़ी रखी है, काका पंच बता रहे कौन मोच है, पंच तो बैगी है, बैगी जगह बैगी का है, बैगी मोच। पापा ने मेरे मोच रखी है, पापा कौन सी मोच है, बैगी मोच। पापा बैगी मॉडल मूंछ रखे हैं, ये पता नहीं कौन सा मॉडल होता है। अभी देर से खाते लगेगा इनके लिए, रोज इनका आती है भैया, ये गाड़ी तो कतई लगा ये डिंपल के सबसे ना कह लगे ये गाड़ी। तब से मम्मी आई हैं स्कूल से तब से मार मूंछ चल रहा है, पहले मूंगफली खाई, फिर चाय पी, फिर रोटी, फिर सब्जी, और कुछ बचा रहा और का आएगा पूरा दिन घर में तो ना मसला भाई हैं, मेरे को भाई की मोटा करना जाओ नहीं फोटो खींची ना बैगी मॉडल। ये ब्लॉग सॉरी आज की ट्रेन है रात 12 बजे की, तो इस ब्लॉग को मैं लखनऊ जाके एंड कर देखती हूँ वहाँ का कैसा माहौल है, मतलब ठंडी है ज़्यादा या फिर भी नॉर्मल मौसम, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। पापा ने बनाया अपने लिए मटन, दिखा रहे हैं आपको ये। क्या कर रही हो बालों में, मैम गदवा शॉर्ट देख बस क्या साइन की मैम ये देख रहा है, ये बारिश हो रही है क्या मैडम, पढ़ा रही हैं मतलब सेकंड है वो वेरी गुड और फर्स्ट एक्सीलेंट और थर्ड गुड, थर्ड गुड जिसका समझ लो थर्ड है एक्सीलेंट। बजने वाले हैं 11 और मैं चल रही हूँ रेडी होने, और इस ब्लॉग को मैं लखनऊ चल के एंड करूँगी। मम्मी मेरा वीडियोस देख रही हैं और देखो लेटी हैं, मेरा वेट कर रही है जल्दी जाए तो फिर सोऊं मैं। पापा ले चलेंगे मुझे छोड़ने हैं गाज़ियाबाद, क्योंकि हमारे घर से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन काफ़ी नज़दीक है, तो पापा ले जाएंगे ड्रॉप कराएंगे फिर आएंगे घर, तो चलते हैं रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं। हो गई हूँ रेडी और पता नहीं, तो ये दोनों लोग बिग बॉस देख रहे हैं और हम जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, चल रहे शूज वगैरह पहनेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों को स्टेशन पे, बाय बाय।
स्टेशन है। छत पे और देखिए कितना गंदा छत, लेकिन पेड़ मेरे सही सलामत हैं सब। ये देखिए और ये करेले की पूरी बेल फैल रही, फूल आने वाले हैं इसमें, ये इससे ही फूल आने वाले। और ये देखिए पिंक कलर का डाल अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।